अगर आप तस्वीर में देखो इधर आप देखो यहाँ तस्वीर में इधर ला रहे हैं ला रहे हैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला सबको दुनिया आखिरत की तमाम भलाइयां दे, बुराइयों से बचाए और हर आफत मुसीबत अपने जमान में रखे। अच्छा तो चलें फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा यहाँ पर जो है ना, मैंने जैसे कल आपके साथ जहाँ ख़त्म की थी वीडियो वहीं से ये स्टार्ट है। तो मैंने क्या किया था, कपड़े वगैरह प्रेस करने के बाद उसके बाद मैंने बच्चों को जो है ना ट्यूशन से भेज दिया था। जब बच्चे ट्यूशन से आ गए थे तो फिर मैंने कहा हल्का फुल्का इन्हें कुछ दे देती हूँ, क्योंकि छः बजे करीब आ गई थी और इर्तज़ा को आते आते 7:30 हो गए थे। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे बर्गर वगैरह इन लोगों को बना दिए थे, नुवैरा को भी यही बना दिया था, इर्तज़ा को भी यही बना दिया था। ये कि नुवैरा ने थोड़ा कम खाया था, इर्तज़ा ने खा लिया था। और ना इर्तज़ा को पता कबाब वाला ये अंडे वाला पसंद नहीं है, उसको होता है कोई और चीज़ लगा के दो, कोई चिकन लगा के दो। मम्मा ये क्या अंडे वाला, मैं नहीं खा रहा अंडे वाला। तो ना बड़ी मुश्किलों से मैंने मना मना के उसको ये खिलाया। मैंने कहा अच्छा तुम फिलहाल ये खा लो। तो जो है ना, मैंने कहा ये बच्चे कुछ खा के चले जाएँ ना तो फिर ये लोग ना तंग नहीं करते, वरना फिर वही होता है बच्चों का रोना पीटना स्टार्ट होता है कि वो कुछ खाएंगे नहीं सही तरह, तो फिर भूख लग जाती है इनको, क्योंकि आदत है ना बच्चों को जल्दी खाना खा लेते हैं फिर जल्दी सो जाते हैं। और बच्चे ऐसे होते हैं कि शादी में भी जाके ना कोई चीज़ नहीं खाते हैं सही तरह। खैर मैंने यहाँ पर इन लोगों को ये बना दिया था, उसके बाद इसने नुवैरा वगैरह ने ये लोगों ने खा लिया था। तो जो है ये देखेंगे, मैं नुवैरा के लिए निकाल ली थी चीज़ें, मैंने कहा चलें दिखाती हूँ। जिस दिन मैं इसकी बच्चों की शॉपिंग वगैरह करके आई थी तो नुवैरा और हानी के लिए भी ना काफ़ी सारी ना पिंस वगैरह भी ले आई थी, फैंसी पिंस भी ले आई थी, कैजुअल पिंस वगैरह भी ले आई थी, जो ताज वगैरह होते हैं ये भी ले आई थी, काफ़ी सारी तरह के ना अलग अलग तरह के ले आई थी, गोल्डन सिल्वर ये ना सारे ही ले आई थी मैं। ये देखें ये हाथ के ब्रेसलेट्स हैं, ये भी लाई थी। और जो है ना हमारे यहाँ तो ऐसा हो रहा है कि ना अब रमज़ान से पहले तक ना शादियाँ चलेंगी, तो ना बड़ी मैं तो वही टेंस हो रही हूँ कि बड़ा मतलब ना मुश्किल हो जाएगा रमज़ान में। पता है पहले से मतलब ये ना थोड़ी तैयारी व्यारी का इंसान को होता है कि बंदा थोड़ी तैयारी कर लेता है रमज़ान की, लेकिन फिर वही वाली बात है शादियों वादियों के चक्करों में ना ना कुछ काम होते हैं ना कुछ होते हैं, मतलब बहुत मुझे तो ना वो टेंशन हो रही है मुझे कि भाई क्यों इतनी शादियां ना लोगों ने रमज़ान से पहले तक क्यों रखी हैं। खैर यहाँ पर जो है ना ये बच्चे तैयार हो गए थे। ये देखें नुवैरा, इसको आज ना मैंने छोटी सी जो सेट मैंने पहना था ना उसकी बिंदिया थी, तो फिर ना उसी की बिंदिया मैंने नुवैरा को लगा दी, तो वो मैडम तो इतना खुश हुई। और ये जो इसके बाल हैं, इसकी बड़ी वाली मामी ने इसके बड़े बाल बना दिए थे, इसके बहुत प्यारी लग रहे थे बच्चे। अच्छा यहाँ पे ये देखें ये सब बैठे हुए थे, फिर हम लोग चले गए थे हॉल में और जो ना ये सब बच्चे थे बैठे हुए। नुवैरा, ये हुनैन है, इर्तज़ा है, हानी है, ये मेरा कामरान भाई है, और ये उसका बेटा है रहान, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था, शहज़ादा लग रहा था बिल्कुल। और ये हम सब थे, मेरी भाभियाँ, हम लोग, हम सभी थे। ये मेरी छोटी सी माशाल्लाह प्यारी सी भतीजी, ये ज़िमल फातिमा। और हानी मैडम जो थी ना उसको कही थी अपना फ़्रॉक हटाओ यहाँ से और हटो यहाँ से। इतने इतने से हैं लेकिन ना वही सब इनके काम है। और वो ज़िमल फातिमा क्या कर रही थी, बोली थी दरा मैं आपके बाल नीचू। और नुवैरा मैडम, ओ हानी मैडम उसको हटाई जा रही थी। अच्छा ये मेरी कज़न का बेटा है। और ये अरुहा मैडम, मतलब बहुत अच्छा फंक्शन रहा, मतलब बहुत सही रहा, मतलब माशाल्लाह। ये कि यहाँ घर के फंक्शन हो ना तो ये मज़ा आता है कि चलो तैयारी तैयार श्यार हो जाता है बंदा ना सही करके। अच्छा ये मेरा कज़न है। और
और इर्तज़ा को तो बिठाना ना एक काम है, वो नहीं भाई साहब ना एक तस्वीर खिंचवाता है ना कुछ करवाता है, वो बस इधर उधर भागता रहता है। ये देखें, अच्छा ये देखें, इनको देख के ना इर्तज़ा को देख के हानि भी कही थी मैं भी इधर उधर भागूँ। अच्छा तो फिर जो है ना इनको बड़ी मुश्किलों से हमने बिठाया, थोड़ी देर हमने कहा चलो बैठो यार हम भी थोड़ी देर बैठ जाएँ, वरना तो फिर मुझे ये होता है मैं इन लोगों के बस पूरे दिन ना हॉल में ना मैं इन लोगों के पीछे पीछे ही बस भाग रही होती हूँ। और ये जो है ना ये अनाया छेड़ के गई थी इसको हानि को वहाँ से वो जिमल जो है ना वो पीछे से उसके बाल जो है ना खींच रही की कोशिश कर रही है इतने इतने से बच्चे इन लोगों को किसी को चैन नहीं है। अच्छा और ये जो है ना ये फारूक लेकर आए थे, ये एज़ यूजुअल ये बड़े अच्छे लगते हैं माशाल्लाह पहने हुए ना, सही भरे भरे से होता है। और फिर फारूक भी आ गए थे तो ये कि फिर बच्चे लोगों ने देख लिए थे, बच्चे पकड़ लिए थे। और ये मेरी अम्मी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी अम्मी। अच्छा यहाँ पे ये एंट्री वगैरह शायद हो रही थी, ये जब का टाइम था तो लाइट्स वगैरह ऑफ कर दी थी। और ये अनाया थी ना कहती भाई भाई मुझे ना यूं यूं करो गोल गोल करो, तो जो ना भाई इसको भाई को शर्म आ रही थी, पता नहीं अल्लाह जाने क्या मसला था कि भाई जो है ना वो कर नहीं रहे थे, इधर उधर भागे जा रहे थे बस। और बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह अनाया वगैरह भी, सब बच्चियाँ बहुत प्यारी लग रही थी। और जो है इसी के साथ चलें फिर वीडियो ख़त्म हो गई, चलें अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।